मार्चिंग क्वार्टर्स में कत्ल किए गए एनकेएम के कारकुन मुजाहिद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कराची के सियासी कारकुन अपने साथियों के जनाजे उठाते उठाते थक चुके हैं। एक को दफनाकर लौटने से पहले ही दूसरे के कत्ल की खबर आन पहुंचती है। ये मार्टन क्वार्टर्स में कत्ल एमकेएम के कारकुन मुजाहिद के लवारकीन है, जिसे घर के सामने कत्ल किया गया। मुजाहिद तीन बच्चों का बाप था जो अब यतीम हो गए हैं। मेरे अबू की जो कातिल है उनको सबसे जल्दी पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया, सबके हर काम में आ गया। बहुत ही भाई चला गया, हम किसको रहे किसको भी। और कराची में पिछले रोज शाम भाग होने वाले एमकेएम के कारकुन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जमशेद रोड मार्टन क्वार्टर में एमकेएम का कारकुन मुजाहिद जख्मी फायरिंग से जहां बहक हो गया। नमाज जनाजा में सुबाई वजीर डॉक्टर सगीर अहमद, रऊफ सदीकी, वसीम आफ्ताब और मुतहदा के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन राबता कमेटी वसीम आफ्ताब का कहना था कि हुकूमत कराची में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है, रवैया बेहतर ना हुआ तो कुदरत कड़ा फैसला सुना सकती है। पाकिस्तान को आज फिर मजबूत करने के लिए जितने भी इकदाम अल्ताफ भाई ने किए हैं, ये उसकी सजा हमको दी जा रही है। रियासत कहां है, हुकूमत कहां है, ये हर वो शख्स जानना चाहता है जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। कराची की ही जहां कत्ल किए गए एमकेएम के साबिक यूनिट इंचार्ज और सीनियर कारकुन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में एमकेएम राबता कमेटी समेत अराकीन असेंबली ने शिरकत की। इस मौके पर रिकत आमेज मनाजर देखने में आए। देखते हैं ये रिपोर्ट। एमकेएम के कारकुन की नमाज जनाजा के मौके पर एमकेएम राबता कमेटी के रुकन वसीम आफ्ताब, सूबाई उजरा रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर सहेल और कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद बड़ी तादाद में कारकुनान और इलाका मकीन शरीक थे। इस मौके पर कई रकत आमेज मनाजिर भी देखने में आए। मकतूल की खाला इसके बारे में बात करते हुए आपदीदा हो गयी। अरे इतना अच्छा बच्चा था, वो तो किसी की बुराई में नहीं था। मकतूल की बहन का कहना था कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। नहीं कुछ भी नहीं, कोई दुश्मनी जी, मैं बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। मुजाहिद अख्तर को गुज़िश्ता रात नामालूम अपराध ने उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया जब वो दुकान पर बैठा हुआ था। मकतूल तीन बच्चों का बाप था। तो बताएं कि कराची के इलाके मार्टिन क्वार्टर में गुज़िश्ता रोज फायरिंग का निशाना बनने वाले एमकेएम के सीनियर कारकुन मुजाहिद अख्तर की नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है। राफे से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर हैं। जी राफे, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जो मार्टिन क्वार्टर में शहीद हुए थे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के काफ़ी, उनकी नमाज जनाजा इस वक्त अदा की। जी नवीन बिल्कुल, लेकिन गुज़िश्ता रोज नामालूम मुल्तमान की फायरिंग से जहाँ बहक होने वाले मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट PIB कॉलोनी के कारकुन मोहम्मद मुजाहिद की नमाज जनाजा मार्टिन क्वार्टर में इस वक्त अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में अरकीन राबता कमेटी डॉक्टर सगीर अहमद, वसीम आफ्ताब, रऊफ सिद्दीकी और अरकीन कराची तंजीमी कमेटी अहल खाना और अहल महल्ला की बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद मुजाहिद जो है वह सोगवान में बेवा और तीन बच्चे छोड़े हैं। इस वक्त जो है वो इनकी नमाज जनाजा के बाद मोहम्मद मुजाहिद की तकसीम जो है वो यासीनाबाद शोभा कब्रिस्तान में की जाएगी।